हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नवदीप दीपक अमित स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल पर, बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है और ये रिलेटेड है पीएचडी प्रोग्राम्स इन मल्टीपल सब्जेक्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो इसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स क्लब, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करने पर जो है आपको यहाँ देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट उसके वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप जो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो आया, ये आया है बेनेट यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में सिचुएटेड है यूपी में। तो यहाँ पे जो है इसके लिए जहाँ पे एडमिशन पीएचडी एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2021 to 2022। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल दे रखी थी, वाई पीएचडी यू हैव टू डू एट बेनेट, देयर आर सम लाइक पीएचडी प्रोग्राम डिटेल्स आल्सो दे हैव मेंशन टू हियर, यू कैन लुक अप इन द पीएचडी प्रोग्राम डिटेल्स अलॉन्ग विद दैट यू कैन व्यू लुक इन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने मैंसन कर रखा है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे 60% मार्क्स आपका होना चाहिए या मिनिमम CGPA 6.5 होना चाहिए ऑन अ 10 point स्केल इन रिलेवेंट प्रोग्राम इन एम ई एम टेक एम एस सी एम फिल। कैंडिडेट विद एम सी डिग्री आर नॉट एलिजिबल फॉर पी एच डी प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी। अब इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा कि आपको किस फील्ड में आपका क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपके फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे पी एच डी की जो ट्यूशन फी है पर एन एम वो 60,000 है और सिक्योरिटी डिपॉजिट की वन टाइम पेएबल रहेगा वो 30,000 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे आपको जो है पीएचडी असिस्टेंटशिप या फेलोशिप भी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्लैब वन में 25,000 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे, अगर आप जो है हॉस्टल अकोमोडेशन या फूड लेंगे तब 25,000 और आपको यहाँ पे 8 आवर्स टीचिंग असिस्टेंटशिप भी पर वीक देना पड़ेगा। दूसरा स्लैब इसमें आपको 40,000 रुपीज़ जाएंगे दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी हॉस्टल अकोमोडेशन या फूड नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर लेकिन आपका जो टीचिंग असिस्टेंटशिप रहेगी वो 8 आवर्स रहेगी, ठीक है। तो ये जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है ये एज पर पी एच डी रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रूल के अकॉर्डिंग है, तो आपको जो है टीचिंग असिस्टेंटशिप जो है वो पर भी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यूशन फी पर है ना रेगुलर कैटेगरी के लिए 60,000 है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000, यहाँ पर भी सेम आपको जो है 25,000 दिया जाएगा अगर आप हॉस्टल या फूड लेते हैं, और आपको अगर हॉस्टल फूड नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपीज़ जो है दिया जाएगा। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो पीएचडी के साथ साथ जो है फेलोशिप भी लेना चाहते हैं या असिस्टेंटशिप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी ये चीज़ है कि आप यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी में जो है आप पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।